So hey guys, good morning, welcome all back to the channel. So welcome back to a new vlog. So right now it's currently 10 AM in the morning और मैं अभी बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा डाइट स्टफ लेने का। जस्ट गेट रेडी। वैसे भी आज मैं ये पिंक टी शर्ट पहन रहा हूँ, बहुत अच्छा है फिटिंग में। सो यार गाइस, आई विल जस्ट गेट रेडी एंड सी यू गाइस देयर। सो गाइस, राइट नाउ वी हैव अराइव्ड ओवर हियर। सो भूमि को कुछ तो लेने का था, उसको शॉपिंग करने की थी थोड़ी। सो विल जस्ट गो इन एंड जस्ट चेक कि अभी तो मेरे को नहीं पता, हम थोड़ा जल्दी आए। लाइक इट्स राइट नाउ, आई थिंक सो इट्स राइट नाउ नॉट ओपन, बट वी जस्ट। एंड फिर उसके बाद थोड़े मेरे अलग प्लान्स से फ्रेंड्स के साथ, सो मैं वो आपको अभी नहीं बताऊँगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सो लेट्स गेट इन साइड। आई थिंक सो इट्स क्लोज, लाइक मेरा शक सही निकला, ये अभी बंद है, लाइक वो अभी खोल रहे हैं। आई थिंक सो जस्ट चेक। क्या है ना कि इनका अभी ये खुला नहीं है, सो ये अभी बोल रहे हैं कि और 5 मिनट लगेंगे। सो विल वेट एंड देन आई विल जस्ट चेक कितना टाइम लगेगा। भाई क्या है ना, अभी 11 बजे, सो 11:30 तक मेरे को निकलने का है। उर्मुड़ी जाने के लिए मेरे को निकलना है। सो आई विल जस्ट कॉल माई फ्रेंड्स जो जाने वाले हैं अभी। उधर हम जाएंगे थोड़ा लेक भी के पूरा, सो उधर हम पूरा शूट बीट करेंगे और उसके बाद खाना के सीधा लंच करके फिर वापस आएंगे तो 3 बजे तक, क्योंकि फिर से 4 बजे हमको जिम जाना है। सो जिम नहीं मिस कर सकते, शोल्डर एंड लेग से। तो बताना ये और कितना टाइम लगेंगे इनके। सिर्फ एक ही वर्कर आए पूरे मॉल में, सिर्फ एक क्या क्या करेगा ये ऐसा है। लेकिन अभी हम पहले करेंगे कॉल कुणाल को, उसके बाद निरंजन को करेंगे कॉल, देखेंगे क्या क्या कौन कौन आ रहा है अभी। सो गाइस लेट मी कॉल फर्स्ट। सबको कॉल कर लिया है, सबको बोला है लाइक 11:30 तक पहुँचने का है, लाइक 11:30 तक सब लोग आ रहे। सिर्फ अनिरुद्ध नहीं आ रहे क्योंकि उसको कहा था बाहर जाने का है, देखेंगे हम क्या करते हैं वो। नाउ विल जस्ट गो जवाब जरा अपन आता काय शॉपिंग लाइक काय काय जरा बघू आहे। मेन म्हणजे मला थोडे 1-2 बेसिक गोष्टीज घ्यायच्या आहेत, बाकीचे सगळ्या तर या मॅडमना घ्यायचे आहेत। इकडे तुम्ही बघू शकता बघा भाई, पॅराडॉक्स का टी शर्ट आहे यहाँ पे, लीजेंड। सो गाइस, राइट नाउ आई एम ऑन द वे टू उर्मुड़ी विद माय फ्रेंड्स। सो आगे पहुंचने के बाद मैं आपको अपडेट्स देता हूँ। निरना अपना रास्ता चुकवला, नीरज चुकी है जात, नीरज पकड़ते नीरज सड्डा पैर। कॉपीराइट पड़ेल असं ह्याच्या या गाण्यामुळं। So guys, right now we have arrived here at the hotel, so we'll just have the lunch and then we'll just go down over there at the lake. Utar. Utar ki khali. Gaadi var dhul re nahi tar tula atta sakka dakhvala asta. Ar utar na ke pe. अरे हा बंद झालाय आतमध्ये, चावी पण आतमध्ये राहिली वाटत म्हणतोय। थांब स्लोमो घेऊयात आपण। अबा निरा जाव करून काय करणार आहेस तू? स्क्रीन आखी काय दिसतो, काय दिसत नाही स्क्रीन मध्ये। ए निरे झोके बस की एक फोटो काढतो तुझा। अरे बरं फोटो दिसतो बस निरू बस की झोक्यावर
एक जो का जिंदगीत न उठशील चट्ट बस बर तेजा नको तेजा नको बसू बिसू नको नाही गरम गरम देश नाही तू बसू नको स्कूटर बसायचे मार्की केक राता ता 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 गपे माणसं बघायला लागली तिकडची अरे हे असं वाटतं का नाही केदारनाथ बिदारनाथला आल्यासारखं ओके इकडे की इकडे की अरे एक मिनिट इकडे तो दाखव इकडे पादर आहे इकडे केदारनाथला गेलं कुठे बरं वाटतंय का पाहण्यात हेजवील हो हळू हॅलो बस जागा कुठं किती आहे की आता तिथं कुठं बसायचं तुला येत नाही स्विमिंग स्विमिंग पूल मध्ये बुडत नाही फक्त पाण्याच्या खाली जातो माणूस नाही बुडत ते केप आहे स्विमिंग पूल मध्ये निरू नाही मग रे निरू या मग काय फोन नंबर लागली काय त्याला पोहायला येत नाही बर का त्याच्यात उगा त्याचा कार्यक्रम करत अरे निर एक पोज दिली तुझी ती शाहरुख खानची पोज त्या दिवशी कशी दिलेली वरती दिकी निर तशी एक पोज अरे मला अरे थम हा तर खरं होय खोटं बोलू नको काय उगाच अर्थ कपळ वरती बघ तिथं भरती जाऊ दे ती निर एक पोज दिली किती शाहरुख खानची अशी दोन्ही आत वर करून अशी हो कसली गरम झाली असेल माहिती का आता ती इथं बस की बस की सन मध्ये की सन किसळ सन किसळ अर नाही तुला घेत मी कसं लोड घेतलीस तू तुला एकदम मॉडेल बनवून ध्यान टाकणार मॉडेल ते मला एक काढायचा आहे का फोटो हिरेला का तुझा कॅमेरा नाही पाहिजे होता तुझ्याकडे कॅमेरा असून काय उपयोग नाही याकडे कॅमेरा आहे माहिती का धूळ काढ काढला का ज्यांच्याकडे नाही लागत त्यांना विचारला का तू काय किंमत याकडे कॅमेरा अंडी त्याला अंडी वाटत अजून कसला शोध काढू नको बीप टाकायचा बीप बीप नाही मग अख्ख्या व्हिडिओ तेवढंच वाजलं नुसतं निरू या निरो अरे दोन ब्लॉगर आले दोन ब्लॉगर सुरू झालं का त्याच्या राहतात एकमेकांचा बघा व्हिडिओ निरू अरे मेमरी बनवू आपण मेमरी आपण मेमरी बनवायची एक ही आफ्टर आवर ह्यूज प्रॉफिट बुक 10 लॅक्स ये लगेच हिरो हाऊ डू ट्रेडर स्पेंड देअर वीकेंड ये निरू यस पैसे बाबा हे बघ आता बघ हा हा दगड आहे माझ्याकडे हात तर तू सांग किती उड्या मार तीन होय तू सांग सगळ्या उड्या मग पहिल्यापासून तू सांग
हा बुडलेली पण मोजतात आमच्याकडे तीन जाईल ज्याच्यात तीन जातील ज्याच्यात चार जातील का नाही चार त्याचं थंबनेल मिठा होणार तीन गेले तर बघू आपण सर सर किती राहा असा 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 तीनच जातात केपे काय विषय तीन नंबर लिहिलं की का मला आपल्याकडे बघतात ना इडे अरे अरे भिजला केपी भाऊ भिजले असू दे केपे गार गार वाटतो पण नाही ग्रुप चल रहा है अभी आज की डेट अप्रैल 20 और ये रहा मेरा पहला कॉल यूनिवर्सिटी सेल के लिए ओके सो क्यों लिया मैंने कॉल सो यहाँ पे ये जो सपोर्ट था यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया है लेकिन एक एज्यूम करो यहाँ से एक सपोर्ट ब्रेक ऑफ द सपोर्ट रीटेस्ट और फिर यहाँ से मैंने सेल की एंट्री ली है यहाँ पे सो अभी चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे आई विल शो यू कहाँ पे चल रहा है वो ट्रेड सो ये देखो यहाँ पे जो मैंने आपको सपोर्ट बोला था ये सपोर्ट है ब्रेकआउट रीटेस्ट और यहाँ पे मेरी एंट्री थी सो अभी ये चल रहा है ओके सो आई विल जस्ट सो मेरे को क्या चाहिए था कि ये जो सपोर्ट है यहाँ का ये जो येलो लाइन मैंने डाली है इसको बेरिश कैंडल में ब्रेकआउट चाहिए था मेरे को और हमको बेरिश कैंडल में ब्रेकआउट मिल गया है यहाँ पे ऑल्सो इधर ऊपर रिजेक्शन मिली लेकिन उसके बाद में की कैंडल मिली आपको पिन भर ओके सो अभी क्या करेगा ये ट्रेड आएगा नीचे फिर रिटेस्ट करेगा येलो लाइन को और फिर अगर फॉल मिला हमको देन वी विल ओके देन वी विल कीप होल्डिंग टिल आवर टेक प्रॉफिट अगर इसने इसको ब्रेकआउट किया बेरिश कैंडल से सॉरी बुलिश कैंडल से और ब्रेकआउट करके फिर ये जो येलो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन इसको अगर सपोर्ट बनाया ऐसे ये ब्रेकआउट देके फिर यहाँ पे सपोर्ट बनना था और फिर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इसको भी अगर ब्रेकआउट करता है फिर विल बी फिर हम यहाँ पर ही बाहर निकल लेंगे इस पॉइंट पे अगर ये नहीं ऐसा करता है अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता है ट्रेंड गिविंग दिस येलो लाइन एज और रेजिस्टेंस अभी ये ऊपर गए फिर फॉल आके फिर अगर ये ऐसा आया ट्रेड नीचे देन वी विल कीप होल्डिंग टिल आवर टेक प्रॉफिट सो दैट्स इट गाइस आपको पता चला कि कहाँ पर हमको बाहर निकलना है क्या क्या होने के बाद क्या करना है सो दैट्स इट गाइस ये देखो ये हमारा कंसोलिडेशन फेज चल रहा था ओके इधर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिया था लेकिन हेड एंड शोल्डर के दिया लेकिन उसको भी रिजेक्ट करके ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट को इसने सपोर्ट लिया फिर से ये ट्रेड ऊपर गया ओके फिर नीचे दो डोजी कैंडल दिए मेरे को डोजी ने ये हैम्बर एक्चुअली पिन बार कैंडल आप बोल सकते हो आपको यहाँ पे पिन बार कैंडल आप बोल सकते हो पिन बार के बाद बुलिश कैंडल फिर से डाउनफॉल फिर दो बुलिश कैंडल मिली इससे क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है अब ये सपोर्ट होने वाला है ओके ये रेजिस्टेंस होगा सपोर्ट यहाँ पे सो ऑल्सो ये जो ट्रेंड लाइन थी मैंने जैसे आपको बताया था अगर इसको बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है तो आई एम गोना एंड दिस ट्रेड सो इसने बुलिश कैंडल में ब्रेकआउट दिया यहाँ पर आई वॉज आउट ओके कितने पिप्स मिले हमको अबाउट ओके यहाँ पर आई वॉज आउट ओके एट दिस पॉइंट सो दैट्स इट गाइज और मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट कितना हुआ हमको मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ चलो सो गाइज अभी मैं आपको MT5 कैप पे लेके जाता हूँ सो ये है हमारा इंटरफेस सो अभी बैलेंस देखो आप कितना है यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा आप खुद देख लो एंड देन आई विल जस्ट गो टू द हिस्ट्री टूडे 20 अप्रैल की हिस्ट्री आपने हमने कितना प्रॉफिट बुक है आप खुद देख लो यहाँ पे ओके तो गाइस अभी तक ये ब्लॉग अपलोड हो रहा है अपलोड 86% हो गया है पिछले डेढ़ घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा लंबा ब्लॉग है सो इसलिए इसका टाइम लग रहा है इतने लंबे ब्लॉग नहीं बनाऊंगी मैं भाई बहुत टाइम लगता है ये अपलोड होने में
सो गाइस अपडेट देख रहे हो नीचे, सो ये 1 मिनट पहले आता है द ओपनिंग ऑफ द न्यू यॉर्क सेशन ऑन द कोर्ट। सो मैं 5:30 बजे कोर्ट पे रहता हूँ, सो तब मैंने एक ट्रेड लिया था। जब तक मैं स्क्रीनशॉट निकल रहा था तब तक ये सिर्फ 1 मिनट की कैंडल, ये इतनी बड़ी हो गई थी, पूरा खतरनाक वॉल्यूम था यहाँ पे। और बाद में आपको रिजल्ट से ये देखो। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टोटल $16 का प्रॉफिट निकाला है आज 20 अप्रैल को। सो पहला जो ट्रेड था वो सेल का था, छोटा स्कैल्प था वो हमारा, और जो दूसरा ट्रेड था वो मैंने ऑन कोर्ट लिया था, बाय का, बाय की पोजीशन थी मेरी। सो गाइस टोटल हमारा $16 का प्रॉफिट हुआ था। सो चेक करते हैं हमारा भी बैलेंस। सो बॉयज़ यहाँ पे आप देख सकते हो चिन्मय साहू के रियल्टो अकाउंट चल रहा है हमारा, वो ये जो चैलेंज का अकाउंट है, ये चैलेंज का अकाउंट है हमारा, हमने जो $40 पे चालू किया था। सो ये आज का प्रॉफिट है $16.90 और ये हमारा बैलेंस, वी आर बैक टू $81। सो सिर्फ 3 दिन में हमने लाइक अबाउट $41 का प्रॉफिट निकाला है सिर्फ 3 दिन में। सो गाइस ये पर्टिकुलर ट्रेड था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ओके सो आई विल जस्ट हाइड दिस सेशन इंडिकेटर। सो राइट नाउ अभी हमको क्या करने का है, आई विल जस्ट टेल यू लाइक क्यों ट्रेड लिया था मैंने ये। सो ये जो पूरा रेजिस्टेंस था, ओके, फॉर द फर्स्ट ब्रेक ऑफ द रेजिस्टेंस हुआ और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे को यहाँ पे दिखा, ओके, एट दिस पॉइंट, ओके, ये पॉइंट पर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा, ओके। अगर आपने ध्यान से इस पैटर्न को अगर आपने देखा तो ये लोअर लो फॉर्म हो रहा था, ओके, लोअर, ओके, फॉल, रिटेस्ट, फॉल, रिटेस्ट, फॉल, ओके। और ये जो रिटेस्ट था ये पहले हाई तक गया था, ओके, मीन्स व्हाट कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, लाइक नॉट श्योर बट हो सकता है। और फिर जो रिटेस्ट था उसने ये वाला लो ब्रेक नहीं किया, ओके, फिर जो रिटेस्ट था उसने एक हायर हाई बनाया, ओके, फिर हाई, रिटेस्ट, एंड इसका मतलब क्या है कि पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है इस पॉइंट पे, ओके, मीन्स लाइक ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, एंड देन आउट, ओके। सो ये पैटर्न देखो कैसे बना था यहाँ पे, विल जस्ट टेल यू, समझ में आपको ट्रेंड चेंज कहाँ से हुआ, कहाँ पे, ओके। सो दैट्स इट। फिर इसके ब्रेकआउट रिटेस्ट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और ट्रेड लेते स्क्रीनशॉट निकलते ही मेरा ट्रेड यहाँ तक था, ओके, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, स्क्रीनशॉट निकालने तक मेरा ट्रेड यहाँ पे था क्योंकि मैं इस टाइम पे स्टेडियम पे रहता हूँ लाइक 5:30। एंड या गाइस आवर टेक प्रॉफिट हिट लाइक 30 pips टेक प्रॉफिट एंड अबाउट 7.5 pips का स्टॉप लॉस था मेरा ये लो तक। Okay, that's all for this trade.